नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं स्टेट से संबंधित ज्योग्राफी का पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर में जितने भी आंसर मेरे द्वारा दिए गए हैं वो सभी हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर की के तहत हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आलेखी मापनी में दो इकाइयों में प्रदर्शित दूरियां कहलाती हैं तुलनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु क्या कहलाता है? भूकंपीय उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु भूकंपीय उद्गम केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार के लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। दूर संचार के लिए कौन सी परत उपयोगी है? आयन मंडल, क्योंकि जितने भी संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं? आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव का प्राचीनतम व्यवसाय कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका दो नंबर, संग्रहण। इनमें सबसे पुराना व्यवसाय संग्रहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तंजावूर क्षेत्र। ये कृष्णा नदी के डेल्टा का क्षेत्र है और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारा खाद्यान्न पैदा होता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जर्मन अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने कृषि स्थिति का अध्ययन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वान थ्यूनेन। वान थ्यूनेन जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कृषि स्थिति का अध्ययन किया। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय मृदाओं को विभक्त वर्गीकृत किया है आठ प्रकारों में। कितने भागों में बांटा है भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारतीय मृदाओं को? आठ भागों में। अगला प्रश्न, ब्लीजार्ड्स हैं ध्रुवीय प्रदेश में उच्च वेग से चलने वाली ठंडी पवने। क्या है ब्लीजार्ड्स? ध्रुवीय प्रदेशों में उच्च वेग से चलने वाली ठंडी पवने। अगला प्रश्न हमारा, गोएट है एक समतल शिखर ज्वालामुखीय अंतःसागरीय पर्वत। क्या है गोएट? एक समतल शिखर ज्वालामुखीय अंतःसागरीय पर्वत, यानी कि ऐसा पर्वत है जो समुद्र में स्थित होता है और जिसका जो शिखर होता है वो समतल होता है, यानी कि नुकीला नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मैंगनीज का प्रयोग होता है, तो मैंगनीज का प्रयोग किस में होता है? इस्पात बनाने में, यानी कि लोहे के साथ मैंगनीज को मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सर्वेक्षण की स्थलाकृतिक मानचित्रों पर भूमि उपयोग को प्रदर्शित करने की क्या तकनीक है? रंग। क्या है? रंग। स्थलाकृतिक मानचित्रों पर भूमि उपयोग को किसके आधार पर प्रदर्शित किया जाता है? रंग के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा, भूमध्य रेखीय प्रदेशों के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयुक्त है? बेलनाकार प्रक्षेप। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं उनके लिए कौन सा प्रक्षेप उत्तम है? बेलनाकार प्रक्षेप। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी उसके मार्ग परिवर्तन व्यवहार के लिए जानी जाती है? कोसी नदी। और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बकरवाल। बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर की है, जो भेड़ बकरियों को चराते हैं। थारू उत्तराखंड की जनजाति है, ग्रासिया राजस्थान की, और गद्दी हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न है हमारा 105 का, ज्वारीय भित्ति पाई जाती है नदी मुखों में या नद मुखों में? कहाँ पाई जाती है ज्वारीय भित्ति? नद मुखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को जाना जाता है अवदाब के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? बंगाल की खाड़ी में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको अवदाब के नाम से। अगला प्रश्न हमारा, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र समीप है सूरत के। किसके समीप है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र? सूरत के नज़दीक है इन ऑप्शंस में से। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र या राज्य यूरोपियन क्षेत्र या राज्य के समान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया की जो संस्कृति है वो यूरोपियन संस्कृति से मिलती जुलती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का दक्षिण ध्रुव का क्या कहा जाता है? यूरोप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न हमारा,
अजोव सागर निमन का सीमांत सागर है, अटलांटिक महासागर का। किसका सीमांत सागर है अजोव सागर? अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य नारियल तेल के उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। नारियल सबसे अधिक कहाँ पैदा होता है? केरल में। तो नारियल तेल का अग्रणी उत्पादक भी कौन सा राज्य हुआ? केरल। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा एक पहाड़ी पार्श्व ढाल का तत्व है? मुक्त मुख। कौन सा है? मुक्त मुख। अगला प्रश्न हमारा, एशिया के सुदूर उत्तर में क्या प्रभावपूर्ण क्रियाकलाप है? शिकार और मछली पकड़ना। एशिया के सुदूर उत्तर में क्या प्रभावपूर्ण क्रियाकलाप है? शिकार और मछली पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से महासागर में धाराओं की दिशाएं मौसमी हैं? हिंद महासागर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इकोलॉजी शब्द का प्रथम उपयोग किया गया? इकोलॉजी का सर्वप्रथम उपयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था दोस्तों, इसको हरियाणा बोर्ड ने गलत माना था, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक पशु जनसंख्या के साथ देश का नाम बताइए। भारत। सर्वाधिक पशु जनसंख्या किस देश में है? भारत में है। अगला प्रश्न करते हैं, चीन में चाय की खेती के बारे में क्या सत्य है? तो चीन में चाय की खेती लगभग क्या है? घरेलू खेती है, निर्यात इतना ज़्यादा नहीं करते चाय का, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर चीन में चाय की खेती घरेलू खेती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएसए में डेट्रॉइट क्षेत्र प्रसिद्ध है मोटर कार निर्माण के लिए, इसलिए फेमस है डेट्रॉइट क्षेत्र मोटर कार निर्माण के लिए। अगला प्रश्न हमारा, जब वायु तापमान बढ़ता है तो सापेक्ष आर्द्रता घटती है। क्या होती है? सापेक्ष आर्द्रता घटती है, यानी तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता घट जाएगी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से कौन सा बृहद संचलन का हिस्सा नहीं है? अपतरीकरण या अपदलन। बाकी तीनों ही बृहद संचलन के हैं, अवपतन, पंख प्रवाह और भूस्खलन बृहद संचलन का हिस्सा है, जबकि अपतरीकरण या अपदलन बृहद संचलन का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? 6 degrees 30 minutes उत्तरी अक्षांश। क्या है दक्षिण की दक्षिणतम सीमा क्या है भारत की मुख्य भूमि की? 6 degrees 30 minutes उत्तर अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्या मापने के लिए प्लेनीमीटर का उपयोग किया जाता है? मानचित्र पर क्षेत्र, तो यानी मानचित्र पर क्षेत्र मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? प्लेनीमीटर का। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिक होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, और यहाँ क्यों होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अक्षोभ सीमा की ऊंचाई? क्योंकि यहाँ पर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से अक्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोयले के निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है? पीट। कौन सी है कोयले के निर्माण की प्रथम अवस्था? पीट कोयला, यानी जब कोयले का निर्माण होता है तो उसकी प्रथम अवस्था कौन सी है? पीट कोयला, और ये निमन सत्र का कोयला माना जाता है। अगला प्रश्न करते हैं, थियोडोलाइट से माप सकते हैं समानांतर और लंबवत कोण। क्या माप सकते हैं थियोडोलाइट से? समानांतर और लंबवत कोण। अगला प्रश्न करते हैं हम, मिट्टी की पीएच के द्वारा क्या ज्ञात होता है? इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया। क्या ज्ञात होता है मिट्टी की पीएच के द्वारा? इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न करते हैं, कौन सी फसल की किस्म निकोटीना रस्टिक्स कहलाती है? तंबाकू। ये तंबाकू में पाया जाने वाला एक तत्व है निकोटीना रस्टिक्स, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न करते हैं, मृदा की समानांतर परतें कहलाती हैं मृदा क्षितिज परतें। क्या कहलाती हैं? मृदा क्षितिज परतें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वायु राशियों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण नहीं है? दबाव। कौन सा महत्वपूर्ण वायु राशि के वर्गीकरण में दबाव महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि तापमान, आर्द्रता और दुर्गम क्षेत्र तीनों ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 1:50,000 की मापनी के साथ स्थलाकृतिक मानचित्र पर समोच्च रेखा का अंतराल क्या है? 20 meters। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 20 meters। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऊर्जा का अधिकांश पर्याप्त स्रोत है
सूर्य, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सूर्य। अगला प्रश्न हमारा, अफ्रीका में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है लिबेरिया। अफ्रीका में प्राकृतिक रबड़ किस देश में सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, लिबेरिया में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी प्रसिद्ध संगमरमर पर्वत बनाती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी संगमरमर पर्वत बनाती है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, ये गलत था इसको छोड़ देते हैं, अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से किस एक में सड़कों का न्यूनतम घनत्व है, जम्मू और कश्मीर में। किस में है न्यूनतम घनत्व सड़कों का, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न करते हैं, सागर में सर्वाधिक प्रचुर अवयवीय घटक क्या है, क्लोरीन। कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है समुद्री जल में, क्लोरीन। अगला प्रश्न हमारा, महासागरों में लवणता अधिकतम होती है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, कहाँ होती है सबसे अधिक लवणता, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ पर जल का वाष्पीकरण अधिक होता है इस वजह से। अगला प्रश्न करते हैं, कौन से राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, मुंबई में किस माह में अधिकतम ताप होता है, मई में। किस माह में होता है मुंबई में अधिकतम तापमान, मई माह में। अगला प्रश्न करते हैं, किस पेटी में भारी अभियांत्रिक उद्योग केंद्रित हैं, जमशेदपुर आसनसोल पेटी में। यानी कि यहाँ पे सारे ही जितने भी उद्योग हैं वो भारी उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पाक जल संयोजी भारत को अलग करता है श्रीलंका से। किससे अलग करता है पाक जल संयोजी भारत को, श्रीलंका से अलग करता है। अगला प्रश्न हमारा, परगामी तरंग सिद्धांत का संबंध है ज्वार से। किससे संबंध है परगामी तरंग सिद्धांत का संबंध, ज्वार से। अगला प्रश्न करते हैं हम, इस्पात का महत्वपूर्ण उत्पादक एशियाई देश कौन सा है, जापान। कौन सा है, जापान सबसे अधिक इस्पात उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुरील गर्त स्थित है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है कुरील गर्त, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फुटल्यूज उद्योग का कौन सा उदाहरण है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को हम क्या कहते हैं, फुटल्यूज उद्योग भी कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे हम, भारत के ज्वालामुखी द्वीप का नाम है नारकोंडम। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों, याद रखना, कौन सा है, नारकोंडम। अगला प्रश्न है, अपरदनीय सथल रूपों की रचना के लिए कौन से बल उत्तरदायी हैं, बाह्य जातीय बल। कौन से अपरदन के लिए कौन से बल उत्तरदायी हैं, बाह्य जातीय बल। अगला प्रश्न, रेहन परियोजना किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। किस में है रेहन परियोजना, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय भूमध्य रेखा की औसत स्थिति है 5 डिग्री उत्तर। क्या है तापीय भूमध्य रेखा की औसत स्थिति, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, उत्पाटन। क्या है, उत्पाटन। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कोहरा है, क्या है कोहरा, निम्न स्तरीय मेघ। कोहरे को हम क्या कह सकते हैं, निम्न स्तरीय मेघ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा ज्योग्राफी का एक पुराना पेपर जो मैंने आपके आंसर के साथ करवाया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट अवश्य करें, और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।